हेलो हेलो। यस सर, हाँ जी, सुनाई दे रहा हूँ सभी को। अच्छा यस सर, यस सर। अच्छा ठीक, चलो शुरू कर देते हैं, है ना। स्क्रीन आ रही है ना, विजिबल है ना। अच्छा बेटे, लास्ट टाइम जो है वी कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच वाज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एंड वी कंप्लीटेड इट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। मींस वी कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक विच वी वर सपोज टू डू, एंड वी डिड इट। एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू वुड हैव प्रैक्टिसाइज्ड द क्वेश्चंस विच जनरली कम फ्रॉम दैट कंटेंट और दैट टॉपिक। टुडे वी विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बिफोर यू ऑन योर स्क्रीन्स, दैट इज एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। एंड यू कैन से दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर ऑर्गेनिक कॉन्टेंट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दिस, मीन्स एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एक्चुअली दिस चैप्टर डील्स विद एल्कोहल एंड फिनॉल्स। दे आर सिमिलर साउंडिंग compounds and related to each other because they both have, alcohol and phenol both have OH group attached, okay, to a alkyl group and phenyl group respectively. So means alcohol and phenol are almost similar sounding and similar property showing compounds because they are, you can say, derivative of hydroxy derivative of hydrocarbons and hydroxy derivative of phenyl rings. And ethers, they are also the compounds, but they are different from alcohol and phenol. Though all of these compound, ये तीनों के तीनों compound आपस में एक दूसरे से interacted इसलिए नहीं है और एक तरीके से interacted भी हैं। इंट्रक्टेड इसलिए हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर सेम है। जो इनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, सभी में ऑक्सीजन होता है, एल्कोहल्स में भी। यू ऑलरेडी नो इन 11th स्टैंडर्ड एंड इन 10th स्टैंडर्ड यू ऑलरेडी कम अक्रॉस एल्कोहल्स। एल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ROH, R स्टैंड फॉर मीन्स एल्काइल ग्रुप, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली फिनॉल्स में क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, फिनाइल रिंग C6H5OH। ईथर्स आर ROR, मींस ऑक्सीजन अटैच टू टू एल्काइल ग्रुप्स और फिनाइल ग्रुप्स, और एक एल्काइल या एक फिनाइल ग्रुप्स। तो दोनों में, मतलब एल्कोहल फिनॉल में बहुत रिजेंबलेंस है क्योंकि एक ROH है, एक फिनाइल OH है और ईथर है ROR। और लेकिन सभी में स्ट्रक्चर सेम इसलिए है क्योंकि सभी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सभी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन पे। तो ये इनके बीच में रिजेंबलेंस है कि भाई स्ट्रक्चरली दे आर सेम बट केमिकली दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड इन ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स। एल्कोहल और फिनॉल रिएक्टिव होते हैं और ईथर्स अनरिएक्टिव होते हैं। ईथर्स इसलिए अनरिएक्टिव हैं क्योंकि उसमें दोनों तरफ आर ओ आर है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप है, यानी कि कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। जबकि फिनॉल और एल्कोहल में रिएक्टिवनेस है बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कैन बी लॉस्ट एंड कैन बी इंट्रैक्टेड। तो इस वाले तरह से ईथर और एल्कोहल और फिनॉल्स एक दूसरे से डिफरेंट है। चलिए शुरू करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी do the introduction of this chapter. We start with alcohol. First of all, basically we will cover alcohol and
phenols, and thereafter we will move to ethers. Okay, and alcohols. You already know about alcohols. They are the organic compounds which contain, you know, alkyl group. ठीक है, attached to OH. और we can say these are the organic compound which are hydroxy derivative of alkyl group. Okay, तो ये इनका representation है. देखिए आप यहाँ definition भी आपको दे रखी है, hydroxy group attached to an alkyl group. Examples आपको पता ही है. For example, CH3 CH2OH, very common example, ethanol. Okay, और ethyl group attached है OH से, तो obvious सी बात है ये R को represent कर रहा है और बाकी OH तो है ही. Okay, now phenol. Phenol are the again the organic compound. They are also the hydroxy derivative, but here the hydroxy group is attached to phenyl ring or substituted phenyl ring. You can say जब hydroxyl group attached होता है aryl group से. Aryl group कहने का क्या मतलब हो गया? Phenyl ring या फिर substituted phenyl ring से. It comes under the category of phenol. और अगर ROH है, then it comes the category of alcohol. You already know. So this is the difference between alcohol and phenol. So देखिए, resemblance है बहुत ज़्यादा. क्या? OH, O group is attached to H and alkyl group in alcohol, and O group is attached to hydrogen and phenyl ring or substituted phenyl ring in phenols. तो resemblance होने की वजह से ये compounds सारे एक साथ पढ़े जाते हैं, क्योंकि structurally arranged सिमिलैरिटीज है. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. अल्कोहल एंड फिनॉल्स ये क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं. दिस क्लासिफिकेशन वी ऑलरेडी हैव डन, सच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वी ऑलरेडी हैव डन इन अवर लास्ट चैप्टर, क्योंकि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन आल्सो हैव द हैड द क्लासिफिकेशन. तो पहली जो वे है क्लासिफिकेशन की वो इसमें भी वैसे ही है. क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड. देखिए, इसको आपने मोनोहाइड्रोक्सी भी बोला है, डाईहाइड्रोक्सी भी बोला है, ट्राईहाइड्रोक्सी भी बोला है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स भी बोला है. मोनोहाइड्रोक्सी एज द नेम सजेस्ट, अल्काइल ग्रुप और फिनाइल रिंग अटैच्ड टू ओनली वन ओएच ग्रुप. Then it comes under the category of monohydric compounds. Okay. Similarly, jab there are two OH within the same compound or in the phenyl ring, two OH hain, then it comes under the category of dihydroxy compounds. Okay. और ये आपका जो है, ये आपका trihydroxy, आप easily देख सकते हैं. ये वाला जो ग्रुप है ये तीन OH से फ्लैंक्ड है. दिस इज अटैच्ड टू थ्री OH. तो जरूरी नहीं है कि ये मतलब इस तरीके का ही कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, मोर देन 4-5 कार्बन आइटम भी हो सकते हैं, बट इफ इट कंटेन्स 3 OH यू विल राइट इट ट्राईहाइड्रोक्सी. तो ये भी आपका ट्राईहाइड्रोक्सी फिनाइल रिंग में भी बता दिया. मींस अल्कोहल एंड फिनॉल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ number of OH group attached. If one OH is attached, you will call it mono hydroxy compound or hydric compound. Otherwise, you will call it dihydric if they are two in number, trihydric if they are three in number, and polyhydric means more than three in numbers. So, ये इनकी classification थी. Now we move to the next. Monohydric alcohol further classified as, this type of classification we already did in last chapter, so we are repeating the same you can say way of classification. There we have called 1 degree haloalkane, 2 degree haloalkane, 3 degree haloalkane, or 1 degree alkyl halide, 2 degree alkyl halide, 3 degree alkyl halide. उसी बेसिस पे वी विल कॉल इन दिस चैप्टर 1 डिग्री अल्कोहल, 2
टू डिग्री अल्कोहल एंड थ्री डिग्री अल्कोहल, तो मतलब रिजेम्बलेंस है, कोई ऐसी कोई ये बात नहीं है कि दिस इज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल वो सेम ही है ऑर्डर। देखिए किस तरीके से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में 1 degree अल्कोहल इज दैट अल्कोहल विच कंटेन 1 OH, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है सभी, देखिए। और इफ यू सी द नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड, मींस व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम इन ऑल ऑफ दीज थ्री, तो आप देखेंगे इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यू ऑलरेडी नो, व्हेन कार्बन फॉर्म्स 4 डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, उसको आप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों जिनको अभी मार्क किया है, ऑल ऑफ दीज थ्री हैव 4 सिग्मा बॉन्ड्स, और यू कहें कि 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं विद द ग्रुप्स विच आर अटैच्ड और सराउंडिंग टू ए कार्बन आइटम। तो सभी के सभी कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो इन सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और ये वाला 1 degree यानी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोला है। क्यों बोला है, बिकॉज द कार्बन विच कंटेन्स और विच बियर्स OH इज अटैच्ड टू ओनली 1 अल्काइल ग्रुप और 1 कार्बन आइटम। सी, जिस कार्बन आइटम पे OH है वो एक कार्बन आइटम से अटैच्ड है, सो दैट इज व्हाई इट इज प्राइमरी अल्कोहल। एंड व्हेन एवर कार्बन बियरिंग OH इज अटैच्ड टू 2 अल्काइल ग्रुप्स 1, 2, देन इट इज 2 degree और सेकेंडरी अल्कोहल। And whenever carbon-bearing OH is attached to 3 alkyl groups, then it is called tertiary alcohol. तो ये tertiary alcohol है। और अभी आपने देखा कि ये जो primary, secondary और tertiary alcohols जो हैं, ये alcohol सभी के सभी carbon की कैसी state रखते हैं, hybridized carbon की sp3, because all the carbon atom involved in bonding, ठीक है, they are surrounded by 4 groups. सभी में जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, sp3 hybridized है। You already have done this hybridization topic in standard 11th, so it is not a new thing. You can recall it. इसी तरीके से एक और category of alcohol, जैसे हमने वहाँ पर वो पढ़े थे, क्या कहते हैं, हैलाइड्स पढ़े थे, दे वर कॉल्ड एज एलाइलिक हैलाइड्स। सिमिलरली साउंडेड अल्कोहल्स भी होते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एलाइल ग्रुप जो है दैट कम्स फ्रॉम द व्हेन द हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम प्रोपीन, इसको आप प्रोपीनाइल ग्रुप भी बोलते हैं, या फिर एलाइलिक। एलाइलिक ग्रुप इज दैट ग्रुप which is the derivative of a propene. Propene के जो alkyl, methyl part है, उससे एक hydrogen remove करें, तो जो आपका group बनता है, you call it allyl. तो देखिए, ये allyl है, primary allyl है. Primary allyl इसलिए है क्योंकि जो OH bearing carbon atom है, वो केवल एक carbon atom से attached. यहाँ अगर आप देखें, ये भी allyl का ही derivative है. देखिए, यहाँ मैंने 2 hydrogen ले रखी है, यहाँ पर क्या किया? एक हाइड्रोजन आपने एज इट इज रिटेन रखी है और एक की जगह आपने एक कार्बन वाला ग्रुप लगा दिया। नाउ इट बिकम्स सेकेंडरी एलाइलिक। व्हाई? बिकॉज ये तो है, इट इज ड्राइव फ्रॉम एलाइलिक ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है पूरा का पूरा एलाइल से ड्राइव्ड है, बट ये वाला जो कार्बन आइटम इस वाले कार्बन आइटम पे लगा है जिसपे OH जुड़ा हुआ है, तो ये इसको 2 degree एलाइलिक अल्कोहल बना। देखिए, है ना, यहाँ पर आपको 1 degree प्राइमरी एलाइलिक बोला था, द रीजन वाज दिस, द कार्बन बियरिंग OH वाज अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम, बट हियर यू सी द कार्बन अटैच्ड टू OH इज अटैच्ड टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम, 1 and 2, सो दैट्स व्हाई इट इज 2 degree। नाउ इफ यू रिमूव दिस हाइड्रोजन बाय अदर कार्बन कंटेंट और कार्बन ग्रुप, तो देखिए कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, लेकिन एलाइल का डेरिवेटिव है ये वाला पूरा पार्ट। अब इसके अंदर बिकॉज देयर आर 3 कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू OH इज फ्लैंक्ड विद 3 कार्बन एटम, 1, 2
एंड दिस इज द कार्बन नंबर 3. तो देखिए, यू विल कॉल इट टर्शियरी एलाइल अल्कोहल. तो ये सभी के सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि OH बियरिंग कार्बन एटम जो है वो चार बॉन्ड बना रहा है. कोई भी अगर आप उठा लें, चाहे ये वाला उठाएं, चाहे आप ये वाला उठाएं, चाहे आप ये वाला उठाएं, ऑल ऑफ दीज थ्री आर फॉर्मिंग 4 sigma बॉन्ड्स, है ना. तो जब 4 sigma बॉन्ड बनेंगे, 4 single बॉन्ड बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन जो है कौन सी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, sp3. तो sp3 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के आपके दो एग्जांपल बता दिए. एक बताया आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स 1 degree, 2 degree, 3 degree, एंड सेकेंड एग्जाम्पल विच वी डिड इज एलाइलिक अल्कोहल्स. सो एलाइल ग्रुप इज ए ग्रुप विच इज फॉर्म्ड व्हेन प्रोपीन लूजेस 1 hydrogen एटम. सो बिकॉज प्रोपीन से बना ये ग्रुप, यू कॉल इट प्रोपीनाइल, ठीक है. और वैसे एलाइल बेंजाइलिक अल्कोहल, ये भी देखा था, इसका बिल्कुल सिमिलर साउंडिंग कंपाउंड वी डिड इन लास्ट चैप्टर, दैट वाज द बेंजाइलिक हैलाइड्स. हियर दिस टाइम वी आर डूइंग द बेंजाइलिक अल्कोहल्स, यानी कि बिल्कुल सिमिलर साउंडिंग सिमिलर ही हैं कंपाउंड्स, कोई डिफरेंट नहीं है. अब देखिए, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल, जिसमें फिनाइल ग्रुप इज अटैच्ड फ्रॉम टू मिथाइल मिथाइलिन ग्रुप दिस. और ये जब अगर बाय चांस ये भी हाइड्रोजन होता, यू वुड हैव कॉल्ड दिस कंपाउंड टॉलीन. तो यानी कि टॉलीन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, वी गेट बेंजाइल ग्रुप. तो बेंजाइल ग्रुप देखिए, ये बेंजाइल अल्कोहल है, और बेंजाइल अल्कोहल प्राइमरी है. क्यों है प्राइमरी? क्योंकि कार्बन बियरिंग OH is attached to only one carbon atom here. See, एक ही कार्बन है. अच्छा, benzylic alcohol can be secondary also. कैसे होगा secondary? एक तो ये phenyl ring से जुड़ा हुआ ही होगा, याला carbon atom जो OH से जुड़ा हुआ है. दूसरा आपने एक और कोई carbon का group लगा दिया, then it becomes दोनों तरफ जो है ये दो carbon atom के group से attached है, then it becomes secondary benzyl. And here it becomes tertiary benzyl. यानी कि benzyl भी आपके कैसे होते हैं alcohols, 1 degree, 2 degree और 3 degree, depending upon the carbon atom on which OH is group is attached is flanked by how many number of neighboring carbon atoms. If they are 1 in number, straight away primary. If they are 2 in number, straight away secondary. If they are 3 number, straight away tertiary, ठीक है जी. और सभी में देखें 4 bond बन रहे हैं, तो obvious ही बात है carbon atom is again sp3 hybridized. तो sp3 hybridized जो alcohols होते हैं उनकी category हमने पढ़ी, तो कौन कौन से पढ़े? एक तो पढ़े mono hydrides, और mono hydrides में जो थे कौन कौन से, 1 degree, 2 degree, 3 degree. similarly we studied about the allyl alcohols. All the allyl alcohols again are the sp3 hybridized and can be taken as 1 degree allylic, 2 degree allylic, 3 degree allylic, and recently we did the benzyl alcohols. So benzyl alcohol bhi aapke kaise hote hain bhai, 1 degree, 2 degree and 3 degree, theek hai ji. Ab isse aage chalte hain, agla wala group bhi jo hai wo एल्कोहल्स का ही है, लेकिन यहां पर देखें तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया. द हाइब्रिडाइजेशन अभी तक sp3 था पिछले एग्जांपल्स में. हियर वी आर टॉकिंग ऑफ दोज एल्कोहल्स इन विच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि हियर कार्बन एटम शुड मेक 3 sigma एंड 1 pi बॉन्ड, ठीक है जी. या आप यूं कहें 3 single बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन ने टोटल कितने बनाने होते हैं? 4, क्योंकि टेट्रावेलेंट है. टेट्रावेलेंट है तो यानी कि 3 single और 1 pi, है ना. तो इसमें चालू करेंगे. नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विनाइलिक कार्बन. विनाइल कार्बन और जो फिनॉल होते हैं, फिनॉल्स,
ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। विनाइल भी आपको बताया था, जैसे एलाइल इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोपीन, विनाइल ग्रुप इज डेरिवेटिव ऑफ इथीन। मींस इथीन के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन निकाल लो, अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्रुप, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल। तो ये आपका विनाइल अल्कोहल हो जाएगा जिसपे OH लगा है। और कार्बन आइटम कितना है, कार्बन आइटम जो है ये मोनोहाइड्रिक ही है क्योंकि एक ही OH है। और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री भी वन है। वन क्यों, क्योंकि OH बियरिंग कार्बन आइटम एक कार्बन से अटैच्ड है। तो ये, लेकिन अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें इस कार्बन आइटम का, तो वो आपका sp2 है क्योंकि तीन बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन से, दूसरा OH से, और तीसरा सिंगल बॉन्ड बन रहा है एडजॉइनिंग कार्बन आइटम से, और एक ये पाई बॉन्ड आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, दिस कार्बन कंपाउंड विनाइलिक अल्कोहल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी मोनोहाइड्रिक, लेकिन ये आपके क्या कहते हैं वन डिग्री ही है। और कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो डिफरेंट है, कार्बन जो स्टेट है हाइब्रिडाइजेशन का दैट इज sp2। और sp2 क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कार्बन अगर तीन सिग्मा और एक पाई बनाए तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है भाई, तो बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, और अगर आप फिनॉल में पूछें तो फिनॉल में भी बिल्कुल वही है। इफ यू सी हियर फिनॉल, तो फिनॉल में भी कार्बन आइटम जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। हाउ, इट इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड विद ऑक्सीजन, वन बॉन्ड द कार्बन आइटम ऑन इट्स यू कैन से वन ऑफ द साइड एंड द सेकंड कार्बन आइटम ऑन द अदर साइड। सो इन टोटल और इन ऑल इट इज मेकिंग 3 सिग्मा, ओके, एंड 1 पाई विद द वन ऑफ द कार्बन आइटम। दो कार्बन आइटम है उनमें से एक से पाई बॉन्ड बना रहा है, तो आपको पता चल गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये वाला आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैटेगरी का आ गया। अब क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स की कर ली, कहने का क्या मतलब है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ OH अटैच्ड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ कार्बन आइटम टू विच हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज अटैच्ड, कि वो कितने कार्बन आइटम से अटैच्ड है, एक से तो प्राइमरी, दो से तो सेकेंडरी, तीन से तो टर्शियरी, यू ऑलरेडी नो। सिमिलरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड नेचर हो जाएगा अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और अगर कहीं OH बियरिंग कार्बन आइटम 3 सिग्मा बना रहा है और एक पाई बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं IUPAC में। IUPAC यू ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड द IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम योर क्लास 10th, क्योंकि क्लास 10th में सबसे पहले आपने IUPAC छोटे छोटी अल्कोहल्स की है। तो बिल्कुल रूल्स तो वही हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। क्या होता है रूल, सबसे पहले IUPAC नेम देने का कि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइटम वहां से लेनी है जहां से OH ग्रुप पहले पड़ता है, ठीक है, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है। और जब आप नेम देते हैं तो कैसे नेम देते हैं, सबसे पहले जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं उनका नंबर देते हैं, ब्योरा देते हैं, यू गिव द डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विद देयर पोजीशन एज वेल एज देयर नेम, और उनकी पोजीशन और उनका नेम टाई ट्राई जो भी आप यूज करते हैं सब्सटेंस का, तब तक यूज करते हैं जितनी बारी वो ग्रुप आपको फॉर्मूले में अपीयर होता है ना, पता है आपको। और फिर लॉन्गर चेन का नाम दे देंगे कार्बन सब्सटेंट का, वर्ड रूट का, एक कार्बन का मेथ, दो का एथ, तीन का प्रॉप, चार का ब्यूट, पांच का पेंट, और बाद में ऑल यानी कि सफिक्स लगेगा ऑल इंस्टेड ऑफ लास्ट ई, है ना। तो ये इनका नाम हो गया, कुछ कॉमन नेम्स ट्राई करते हैं और फिर सीधा पहुंचते हैं आगे। देखिए 1-propanol है क्योंकि 3 कार्बन आइटम है, 1, 2 और 3, और इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को आपको मालूम है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और OH लगा है तो नंबरिंग यहीं से 1, 2, 3,
क्योंकि कोई और सब्सटेंट नहीं है, कोई भी साइड चेन नहीं है जो चेन से बाहर निकल रही हो, तो वन प्रोपेनॉल, ठीक है, या सिंपली द प्रोपेनॉल, और कॉमन नेम प्रोपाइल अल्कोहल। सिमिलरली आप आ जाएं अगले एग्जांपल में, ये भी प्रोपेनॉल का ही है लेकिन OH की पोजीशन चेंज कर दी। प्रोपेनॉल इसलिए क्योंकि तीन कार्बन आइटम है इसमें भी, एक दो और ये वाला तीन, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, OH की पोजीशन डिफरेंट है। तो आपको मालूम है जब पोजीशन डिफरेंट होती है किसी चीज की लेकिन फार्मूला सेम हो तो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। तो ये आइसोमर्स हैं क्योंकि कार्बन एटम रिमेन सेम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन बोथ द कंपाउंड रिमेन सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोथ द कंपाउंड रिमेन सेम, बट दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स टू वन अनदर, सो दैट्स व्हाई दे आर आइसोमर्स, यू ऑलरेडी नो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, टू प्रोपेनॉल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, साइड चेन कोई है नहीं, तो नंबरिंग जो है वो सीधा वर्ड रूट विद द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो पोजीशन कौन सी है, सेकंड है, चाहे आप लेफ्ट से अप्रोच करें चाहे आप राइट से अप्रोच करें, यू ऑलरेडी नो। एंड दिस इज योर ब्यूटेनॉल बिकॉज इट कंटेन फोर कार्बन एटम, कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री, एंड दिस इज द लास्ट कार्बन, कार्बन फोर। तो चार कार्बन एटम हो गए ब्यूटेनॉल, और पहले पे ही OH है, सो दैट्स वाई वन ब्यूटेनॉल। ये और ये आइसोमर्स हैं, देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम, वन टू थ्री फोर, सो मॉलिकुलर फार्मूला इसका और इसका सेम, लेकिन पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप डिफरेंट है। तो कहने का क्या मतलब है, आइसोमर्स हैं, ये वन ब्यूटेनॉल था, ये टू ब्यूटेनॉल था, अगर तीसरे पे होता तो भी ये टू ब्यूटेनॉल होता क्योंकि तब आप नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते, अभी आपने राइट टू लेफ्ट की, ठीक है जी। सिमिलरली अभी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें भी टोटल चार कार्बन आइटम, अगर आप देखें कार्बन आइटम ये पहला, ये दूसरा, ये गया तीसरा, और ये आया चौथा। कहने का क्या मतलब है, ये वाला कंपाउंड और एक ये वाला कंपाउंड आपस में आइसोमर्स हैं तीनों, क्योंकि इन टोटल दे बी आर फोर कार्बन आइटम, इन टोटल दे बी आर सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम वन एंड हाइड्रोजन अटैच टू देम रिस्पेक्टिवली। तो कहने का क्या मतलब है, ऑल ऑफ देम विल हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट दे विल हैव डिफरेंस ऑफ पोजिशन ऑफ OH एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ साइड चेन। यहां पर एक कार्बन आइटम आपने साइड से बाहर ले, तो देखिए लॉन्गर चेन यही रही, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, और कौन से कार्बन पे है, इस पे। तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल नेम द सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट अलोंग विद इट्स पोजीशन, सो टू मिथाइल वन प्रोपेनॉल, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप इस वाले पे आ जाएं, देखिए ये भी आपका आइसोमर आएगा, एक दो तीन चार कंपाउंड यू आ गए, मतलब चार कार्बन आइटम आ गए, और यही है आपका सब्सटेंट। अब देखिए ये और ये भी आइसोमर है, यानी ये चारों के चारों एग्जाम्पल आइसोमर्स है, और देखिए डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इसको क्या कहेंगे आप, टू मिथाइल और टू प्रोपेनॉल। तो देखिए ये आपके IUPAC नेम्स हो गए। तो IUPAC नेम आपको करना पता ही है, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, लुक आउट फॉर द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज OH एंड अल्कोहल्स, अच्छा, और बिफोर नेमिंग सी इफ देयर इज एनी साइड ग्रुप, साइड चेन इज देयर, यस, इफ द साइड चेन इज देयर, नेम द साइड चेन अलोंग विद इट्स पोजीशन बिफोर यू नेम द वर्ड रूट। तो पहले जो है आप नंबर और पोजीशन जो है साइड चेन की बताएंगे, जैसे आपने बाकी और एग्जांपलों में बताई देखी, और फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का वर्ड रूट फॉलोड बाई सफिक्स ऑफ द अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है जी। नाउ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन OH, डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएंगे या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स हो जाएंगे, लेकिन इनके IUPAC नेम कैसे करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला, वैसे इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल या सिंपली द ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। इस कंपाउंड में दो कार्बन आइटम है और दोनों पे OH लगे हैं,
तो देखिए इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो क्या है, इथेन 1,2-diol, क्योंकि दो कार्बन एटम है लॉन्गर चेन में, दोनों ओएच हैं, और ऑब्वियस सी बात है एक ओएच को आप ऑल बोलते हैं, दूसरे वाले को भी ऑल ही बोलेंगे अगर लॉन्गर चेन का पार्ट है, और क्योंकि दो कार्बन एटम्स में एक पहला पहले पे दूसरा दूसरे पे, तो 1,2-diol, तो यू विल कॉल सिंपली इट इथेन 1,2-diol। सिमिलरली अगर ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल मतलब दूसरा एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल में तीन कार्बन एटम है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, और तीनों पे है, और कॉमन नेम क्या होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसे आपने पहले किया, प्रोपेन 1,2,3-triol। तो इस तरीके से पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का नाम देना है, मीन्स यू हैव टू राइट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज मच एज टाइम इट अपीयर्स इन फार्मूला अलोंग विद डाई ट्राई टेट्रा वट एवर दी रिस्पेक्टिव यू कैन से इट्स रिप्रेजेंटेशन वुड बी देयर, है ना। तो इस तरीके से करेंगे। साइक्लिक अल्कोहल्स की बात करते हैं, साइक्लिक अल्कोहल में साइक्लो जरूर लगा देंगे उसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम से पहले। देखिए अगर ये एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेनॉल लिया, कैसे लिया आपको पता है, कार्बन आइटम में 6 कार्बन आइटम है इस वाले साइक्लिक रिंग में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, चाहे यूं काउंट कर लीजिए चाहे आप यूं काउंट कर लीजिए, 6 हैं। और OH लगा हुआ है, OH बियरिंग कार्बन एटम वुड बी ऑलवेज रिगार्डेड एज नंबर 1 कार्बन, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो यूं गए तो अगर ये बाय चांस लॉन्गर चेन होता है यू वुड हैव कॉल इट हेक्सेनॉल, अब क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। सिमिलरली यहां पर अगर आ जाए ये 5 कार्बन एटम वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 ऐसे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ सब्सटेंट जो है वो दूसरे कार्बन आइटम पे है, तो ऑलवेज मूव फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डोंट ट्राई टू नेम इट एंटी क्लॉकवाइज, यू ऑलरेडी नो, क्योंकि हमारे को अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों जगह से बराबर पड़ता है तो हमारे को इसकी पोजीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सब्सटेंट की पोजीशन भी मिनिमम आनी चाहिए। तो इसका नाम बन जाएगा 2-methylcyclopentanol। सो दिस इज द आईयूपीएसी नेम डन फॉर द अल्कोहल, ठीक है जी। तो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो जाने के बाद आईयूपीएसी नेम्स हो गए अल्कोहल्स के, और एग्जांपल्स कर लिए थोड़े थोड़े। सिमिलरली नाउ वो मूव टू फिनॉल्स, मींस फिनॉल्स भी क्या हैं तो हाइड्रोक्साइड ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन दे आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल रिंग, ठीक है। फिनाइल रिंग प्लेन फिनाइल रिंग भी हो सकती है जैसे फिनॉल में होती है, लेकिन बाकी और एग्जांपल्स में अगर आप देखें जैसे ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल जो दिए मैं, उनमें सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग है। तो कहने का क्या मतलब है, व्हेनेवर ओएच ग्रुप इज attached to phenyl ring, then it becomes phenol, and if it is a substituted you can say phenyl ring, then again it comes under the category of substituted phenols. तो यहाँ से अभी इसका नाम देख लेते हैं, पहले phenol, वैसे इसको hydroxy benzene भी बोलते हैं simply, kindly इसको जो है hydroxy benzene भी बोला जाएगा, और वैसे आप इसको phenol बोलते हैं सीधा simply, ठीक है। अच्छा, और इसका ही दूसरा प्रोडक्ट जो है, देखिए जब टॉलवीन पे ओएच लगा हो, टॉलवीन भी हो फिनाइल रिंग में, मतलब फिनाइल रिंग में सीएस3 ग्रुप भी है और ओएच भी है, कॉमनली दिस कंपाउंड कॉल्ड क्रिसॉल, और बिकॉज देयर इज ऑर्थो पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू दी ओएच, यू वुड हैव कॉल्ड इट क्या, 2-methyl फेनॉल या ऑर्थोक्रिसॉल और 2-क्रिसॉल, ठीक है, 2-methyl फेनॉल, ठीक है, क्योंकि क्रिसॉल जो है दैट इज द कंपाउंड इन विच फेनाइल रिंग मस्ट बी हैविंग ओएच ग्रुप अलोंग विद द सीएस3 ग्रुप। अब सीएस3 की पोजीशन ऑर्थो भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू ओएच, इट कुड बी मेटा विद रिस्पेक्ट टू ओएच, इट कुड बी पैरा
ये आपको पहले ही बता रखी है, ऑर्थो कौन सी होती है, जब सेकंड पोजीशन होगी ऑर्थो हो जाएगी, यहाँ ये मेटा हो जाएगी देखिए, और यहाँ पर ये पैरा हो जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? तो तीनों सिचुएशन है, लेकिन कॉमन नेम क्या है सभी में, क्रिसॉल, यू विल कॉल इट क्रिसॉल। तो कॉमन नेम भी आपको बहुत से कंपाउंड्स के पता होने चाहिए, यू वुड कॉल इट मेटा क्रिसॉल, यू विल कॉल इट पैरा क्रिसॉल, और IUPAC क्या है, 3-methylphenol फॉर मेटा क्रिसॉल और 4-methylphenol किसके लिए, पैरा क्रिसॉल। ठीक है जी, नाउ वी मूव टू द डाइहाइड्रिक फिनॉल्स और डाइहाइड्रोक्सी यू कैन से एरीन्स। तो एक OH वाला फिनॉल होता है फिनाइल रिंग, और फिनाइल रिंग विद 2 OH, देखिए IUPAC नेम बेंजीन 1,2-diol और वैसे क्या बोला जाएगा, कैचाल। अच्छा, और जब 1 और 3 पे बोला जाएगा तो बोला जाएगा बेंजीन 1,3-diol और कॉमन नेम है रिसॉर्सिनॉल। और अगर फोर्थ पे आता है तो देखिए क्या कहा जाएगा, हाइड्रोक्विनॉल और क्विनॉल, और वैसे क्या है, बेंजीन 1,4-diol। एक्चुअली दिस कंपाउंड क्विनॉल एंड इट्स यू कैन से वन ऑफ द डेरिवेटिव, अभी आजकल रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में था, इट वाज इन न्यूज रिसेंटली। व्हाई? बिकॉज द सिमिलर साउंडिंग कंपाउंड is used while making the medicines for treating the malaria. तो malaria के जो disease होती है उसके लिए भी हम 4-quinol करके एक compound लेते हैं, यानी कि वो quinol से ही derived है। और quinol का ये वाला जो हमारी medicines थी, इसकी assignments अभी हमने अमेरिका भी दी थी corona के चलते। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। तो कहने का क्या मतलब है, इफ OH इज देयर ऑन फिनाइल रिंग, एक ही OH है, इट इज फिनॉल, और अगर दो होंगे तो बेंजीन 1,2-diol, अगर ऑर्थो पोजीशन में है तो, और अगर मेटा में है तो बेंजीन 1,3-diol, और अदरवाइज बेंजीन 1,4-diol जो कि क्विनॉल है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। So, here the answer are shown to the question which is given here, that give the IUPAC name of the following. Ek compound diya hua hai A, that is before you on your screen. This is a polyfunctional group compound. Polyfunctional isliye bola, kyunki isme chlorine bhi hai aur hydroxy group bhi hai, do hai, yani ki हेलोजन ग्रुप भी है, हेलाइड आयन भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, और मिथाइल मिथाइल ग्रुप भी हैं, वो तो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या साइड चेन्स होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इसका नेमिंग आप करेंगे तो लॉन्गर चेन आप पिक करते हैं, कितने लॉन्गर चेन है, 5 कार्बन आइटम की है, OH बियरिंग कार्बन आइटम जो है वो लॉन्गर चेन है। अच्छा, इसके अलावा देखिए OH तो फंक्शनल ग्रुप है ही, 11th में आपने पढ़ा हुआ है, हेलोजन आइटम भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तभी तो हेलो एल्केन्स बोलते हैं आप इन्हें अगर, है ना, और मिथाइल ग्रुप सब्सटेंस है। तो आपको नंबरिंग करनी है आप चेन की, वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ेगा, तो 1 कार्बन, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड इट कम्स टू बी कार्बन 5, कार्बन 5 हो गए, कितने हो गए, कार्बन 5। तो ऑब्वियस सी बात है पेंटेनॉल का डेरिवेटिव है, ठीक है, लेकिन ये तो आपकी वर्ड रूट विद फंक्शनल ग्रुप सफिक्स है, उससे पहले आप क्या देते हो, सब्सटेंट का ब्योरा, बिल्कुल वैसे ही है IUPAC नेम जैसे आपके घर पे चिट्ठी पोस्ट करनी, आपका नाम, आपके गली मोहल्ले का नाम, आपके घर का नाम, आपके राज्य का नाम, आपकी कंट्री का नाम विद पिन। तो इस तरीके से जैसे आप फॉर्मेट करते हैं कि नेम आ गया पहले, फिर उसके बाद आप एड्रेस देंगे, फ्लैट नंबर बताएंगे, गली मोहल्ला जो भी है, मकान का नंबर वो बताएंगे, लोकेलिटी बताएंगे, शहर बताएंगे,
बाद में आप कंट्री बताएंगे, विदिन बताएंगे, तो ऑन द सेम बेसिस सबसे पहले आप सब्सटेंट्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए क्लोरो भी सब्सटेंट हो गया क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो OH है, और मिथाइल भी सब्सटेंट है, और अल्फाबेटिकली नाम आएगा तो पहले 4-क्लोरो, उसके बाद 2-3-डाइमिथाइल, डाई आपको पता है क्यों आया, क्योंकि दो हैं ये, और पेंटेनॉल सीधा सिंपली, और ये वाला जो है ये फिनॉल का डेरिवेटिव है। अगर ये CH3 ग्रुप नहीं होते, यू वुड हैव कॉल्ड दिस कंपाउंड फिनॉल सिंपली, बट हेयर देयर आर 2-मिथाइल ग्रुप, सो यू कैन से इट इज द सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग इन द फिनॉल विद द 2-एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर ऑफ द साइड, दोनों साइडों में एक, ये वाला अगर पहला कार्बन एटम है क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यही वाला है, तो ये आपका दूसरे कार्बन एटम पे मिथाइल है, और इसी तरीके से ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया और छठा हो गया। तो अब आप इसके नेमिंग किस तरीके से करेंगे, ये वन है तो इट इज, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर 2, 5 दिया हुआ है, मेक इट 2, 6 डाइमिथाइल फिनॉल, ठीक है। बाकी ठीक है, अब IUPAC नेम भी हो गई, क्लासिफिकेशन भी हो गई, नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज सेम। इफ यू टॉक ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन देम, बोथ ऑफ देम हैव हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड, बोथ ऑफ देम हैव हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड, एंड hydroxy group attached whenever it is on a hydrocarbon chain, then you call it alcohol, and if it is on phenyl ring, you call it that compound a phenol, otherwise they are more or less structurally same. Now here you see what is the difference between them. Here the carbon atom in alcohol is sp3 hybridized, we already know, because carbon atom is sp3 hybridized, okay. But the carbon atom in the phenol, which is linked to OH, is not sp3 hybridized, it is sp2 hybridized. You already know. Or sp2 or sp3 mein hota kya difference hai, ye aapko pata hai, sp3 jo hai wo single bond ki representation hoti hai, aur sp2 is cheez ki bhi representation hai ki us bond mein ek pi bond bhi hai. To ab dekhiye, आपके चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है कार्बन एटम जिस पे OH लगा हुआ है, ये सारा का सारा सिंगली बॉन्डेड है, और देखिए बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 108.9 डिग्री। मींस वैसे आपको मालूम है टेट्राहेड्रल कार्बन एटम का मिथेन में बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो इट इज उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। और क्यों कम है, क्योंकि वो तो आपका नॉर्मली प्लेन मिथेन का होता है, ये आपका मिथेन का नहीं है, ये आपके मिथाइल ग्रुप अलोंग विद OH ग्रुप का है, क्योंकि मिथेनॉल में मिथाइल ग्रुप पे OH भी लगा हुआ है, आप देखें यहाँ मिथाइल ग्रुप के बाद OH लगा हुआ है, तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्सीजन पे रिजाइड कर रहे हैं, विच आर रिजाइडिंग ऑन ऑक्सीजन एटम, दे repel the they repel, and as a result of which bond angle is smaller than 109, okay. Achha, ab phenol mein agar aap aa jaye to dekhiye phenol mein bhi thoda slightly zyada hai, theek hai, kyon zyada hai, wahan par dekhiye ye lone pair of electron yahan par jo oxygen pe hai उनकी रिपल्शन फिनाइल रिंग से, और फिनाइल रिंग अल्काइल ग्रुप के मुकाबले थोड़ी सी बल्की भी होती है, और ऐसा भी माना जाता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग के अंदर होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा 108.9 डिग्री से ऊपर आ गया, ठीक है। और अगर आप बॉन्ड लेंथ देखें कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड की, तो यहां पर वही बॉन्ड लेंथ है जो कि एक सिंगल बॉन्ड की होती है कार्बन और ऑक्सीजन की, लेकिन यहां अगर आप देखें तो यहां डिफरेंट है, वो आपको मालूम है क्यों, बिकॉज
फिनाइल रिंग sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये रेजोनेंस में भी जा सकता है विद द एडजॉइनिंग OH. जब इसने रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन दिखानी होगी तो आप ये बताओगे कि ये फिनाइल रिंग का जो ये डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ जो है पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा. तो जब पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से छोटी. सो दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंगल इज सॉरी द बॉन्ड डिस्टेंस इज और बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर्स और वहां पर कितनी है 142 पिकोमीटर्स. तो 142 पिकोमीटर्स क्यों है प्लेन अल्कोहल्स में? बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सिंगली बॉन्डेड टू ईच अदर. ओके एंड सिंगल बॉन्ड लेंथ इज लिटिल बिट मच लॉन्गर एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ बिकॉज the whenever carbon or any of the substance form multiple bond double bond or some type of bond then the bond length get shortened. वो आपको पता है कि छोटी हो जाती है क्योंकि multiple bond आ रहे हैं, है ना, एक से ज्यादा bond आ रहे हैं. अब structural resemblance भी हो गई. यहाँ करने को ethers का भी कर देते लेकिन ethers जो हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके का compound है नहीं लिया. otherwise alcohol, phenol और ether की structure एक जैसी ही है, resemblance है बहुत ज़्यादा, है ना. तो आपने देख लिया क्योंकि alcohol जो है वो ROH है, वो आपको पहली भी स्लाइड में बताया था ROH है, वो phenyl OH है और वो होगा ROR, ठीक है. तो resemblance है बहुत ज़्यादा, है ना, लेकिन चलो उसको बाद में लेंगे बिकॉज दैट कंपाउंड इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल. दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना. चलिए अब मेथड ऑफ प्रेपरेशन आते हैं. मेथड ऑफ प्रेपरेशन आर इंपॉर्टेंट वी नो बिकॉज इन एन ऑर्डर टू रिमेंबर द वे कि कैसे कन्वर्जन किया जाना चाहिए, हाउ वी हैव टू कन्वर्ट वन पर्टिकुलर कंपाउंड इनटू द अदर, वी मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ हाउ वी कैन प्रिपेयर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड. मींस बाय द डिफरेंट रूट्स हाउ वी कैन प्रिपेयर इट. पहले तो ये पता होना चाहिए यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए कि डिफरेंट कंपाउंड से आप कैसे कैसे उन कंपाउंड्स को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं. और सेकंड क्या इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन के लिए, जो कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं द कंपाउंड विच यू आर स्टडिंग एट दैट टाइम पर्टिकुलरली यू मस्ट नो हाउ दे प्रोसीड टू द अदर डिफरेंट कंपाउंड्स वाया देयर केमिकल रिएक्शंस. तो कहने का क्या मतलब है कि मेथड ऑफ प्रेपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कन्वर्जन्स करते हैं तो वी शुड नो द स्टेप दैट हाउ वी कैन प्रोसीड टू अ पर्टिकुलर कंपाउंड फ्रॉम द गिवन सब्सटेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो उस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल यहाँ से आप पढ़ते हैं. तो देखिए आपने पढ़ा भी है इलेवेंथ में, इवन टेंथ में भी पढ़ा है अल्कोहल. फॉर एग्जांपल अगर हम एथेनॉल पढ़ रहे हो तो एथेनॉल कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमारे पास? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से भी मिलता है और हाइड्रोकार्बन कैसा होना चाहिए? अनसैचुरेटेड होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए. तो पहला मेथड है एल्कीन से कि वी कैन सिंथेसाइज अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन. सबसे पहले ये ध्यान रखें एल्कीन कैन बी कन्वर्टेड इंटू अल्कोहल्स बिकॉज एल्कीन्स तब ऑप्टेन होते हैं जब अल्कोहल से पानी निकाल लिया जाता है. तो सिमिलरली जब पानी डाल दिया जाए एल्कीन्स में वी विल गेट अल्कोहल्स बैक. तो ये एक स्टेप याद होना चाहिए कि वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन बाय द एडिशन ऑफ वाटर, है ना. लेकिन रिएक्शन अलग होंगी वो थोड़ा देखेंगे अभी, है ना. और सेकेंड मेथड है प्रेपरेशन का कार्बोनाइल कंपाउंड्स. आई थिंक वैसे आपको पता तो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डन इन 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज इन 10th एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. यू ऑलरेडी आर फैमिलियर विद दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स. अल्कोहल आर अल्कोहल बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप. एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिगार्डेड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स बिकॉज
they contain carbon bonded to oxygen through a double bond in their formulation or in their compounds. जैसे aldehyde है, suppose क्या इथेनल, क्या फार्मूला है CH3CHO, यानी कि जो CHO वाला कार्बन एटम है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है. सिमिलरली किटोन ले लिया, कौन सा ले लिया, प्रोपेनॉन ले लिया, CH3COCH3. तो वो वाले कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यू कॉल दोस कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स. सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. और कार्बोनाइल कंपाउंड से भी आप अल्कोहल्स बना सकते हैं. बना सकते हैं क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स एक तरीके से अल्कोहल से ही ऑक्सीडेशन करके बनते हैं. तो जब उसका रिवर्स कर देंगे, यानी कि रिडक्शन कर देंगे आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, यू विल गेट अल्कोहल्स बैक. जैसे आपने एल्कीन से अल्कोहल बनाना था तो पानी डाला, बिकॉज यू नो अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन फॉर्म एल्कीन. सिमिलरली यू नो व्हेनेवर अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज्ड दे विल फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन्स. सिमिलरली इफ दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड रिवर्सली मींस रिडक्शन इज डन टू देम, then what will happen? Obvious सी बात है, क्या चीज बना देंगे? Alcohols बना देंगे. और तीसरा है Grignard reagent. Grignard reagent भी हमने last chapter में पढ़ा हुआ है, RMGS type of compounds. तो सबसे पहले शुरू करते हैं alcohols की preparation from alkenes. तो पहला जो method आता है जब आप alkene से alcohol बना रहे होते हैं, by the addition of water. Addition of water is prompted by addition of some traces of strong acid. Means you are supposed to add acid along with water in an order to convert alkene into alcohol. So reaction kya ho gayi? Acidic hydration. Hydration is there because water is being added into it. Theek hai? Or acidic hydration because in the reaction was done in acidic medium. बिकॉज हाइड्रेशन जो है वो अपने आप नहीं डन करेगा. हाइड्रेशन डन करने के लिए पहले आपको पानी को ऐसी चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो इजीली डबल बॉन्ड पे के कार्बन एटमों पे अटैच कर जाए. ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रेशन कहलाता है. अच्छा, और ये आपने पढ़ा हुआ भी है, जैसे इन 11th स्टैंडर्ड यू ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट द मार्कोनिक ऑफ रूल ऑफ एडिशन, जिसमें आपने HBr वाला पढ़ा था, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. अल्कोहल की भी एडिशन, वो वाटर की भी आपने एडिशन पढ़ी हुई है इनटू एल्कीन्स. सो अगेन वो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंगली है. मार्कोनिक ऑफ रूल यू ऑलरेडी नो, इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिक इन नेचर, वी हैव डन दिस मार्कोनिक ऑफ type of additions in last chapter also, है ना? तो it is not a new, you are familiar with these rules and such type of reaction, okay? These reaction already have been introduced to you in your last class, means last class means last standard, so or last chapter में भी आपने पढ़ा है. तो unsymmetrical alkene लिया, कौन लिया unsymmetrical alkene? Ethene, ये propene. प्रोपीन लिया, अनसिमेट्रिक है, आपको मैंने उस समय बताया था. अनसिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ये कार्बन आइटम पे एक जगह डबल बेयरिंग जो कार्बन आइटम है, एक पे दोनों जगह हाइड्रोजन है और एक पे एक जगह हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है. तो ऑब्वियस सी बात है, कैसे है अनसिमेट्रिक. अनसिमेट्रिक एल्कीन में यू एड वाटर, दैट इज कॉल्ड एडेंडम. द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग एडेड इज कॉल्ड एडेंडम. नाउ मार्कोनिक ऑफ रूल ऑफ एडिशन विल टेक प्लेस, मींस एडिशन ऑफ वाटर takes place in accordance with Markovnikov rule of addition. तो कहने का क्या मतलब है? Water को आप दो पार्टों में split कर दें, एक H plus और एक OH minus. तो आपको पता है Markovnikov rule क्या कहता है? That if you add addendum to an unsymmetrical alkene, the positive part of addendum goes to the carbon atom containing greater number of carbon atom or greater number of hydrogen atom. और negative part of addendum और कहके कह रहे हैं, यानी कि दोनों तरीके से बता सकते हैं. और नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू द कार्बन एटम बियरिंग फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो देखिए कहीं से भी आप कर लें, प्रोडक्ट आपका ये आ गया.
तो अगर आप प्रोपीन का हाइड्रेशन करते हैं एसिडिक कंडीशन में, यू विल गेट टू प्रोपेनॉल, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी टू प्रोपेनॉल। सिमिलरली मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीबीएसई क्लासेस में भी आता है एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। तो आज ये जो है ये लास्ट टॉपिक कर लेंगे मैकेनिज्म तक, जरा देख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स एंड देयर आर थ्री स्टेप्स। इस वाली स्लाइड में अभी दो स्टेप्स नजर आ रहे होंगे। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। तो पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन कब बनेगा? जब कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो एल्कीन के ऊपर रिएक्ट करेगी। तो अब पॉजिटिवली चार्ज कैसे जनरेट होगा, देखिए। वाटर पे एच प्लस, और ये एच प्लस इज प्रोवाइडेड बाई एसिड विच वी आर एडिंग, कन्वर्ट वाटर इंटू हाइड्रोनियमाइन। कहने का क्या मतलब है? अगर आप एसिडिक सब्सटेंस नहीं डालेंगे, यू कांट कैरी आउट दिस रिएक्शन बिकॉज वाटर विल नॉट आयनाइज, वाटर विल नॉट कन्वर्ट इंटू ए पॉजिटिवली चार्ज बियरिंग स्पीसीज। वाटर गेट कन्वर्टेड इंटू पॉजिटिव चार्ज बियरिंग स्पीसीज ऑन द एडिशन ऑफ एसिड। क्या चीज बन गया? हाइड्रोनियमाइन, HCO प्लस। अब HCO प्लस बीइंग पॉजिटिव इन चार्ज एंड वी नो मल्टीपल बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो ऑब्वियस सी बात है दोनों में वो है बॉन्ड फॉर्मेशन वुड अकर। कैसे अकर करेगा? एल्कीन विल डोनेट इट इलेक्ट्रॉन पेयर टू वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोनियमाइन, देखिए, और उसको जोड़ लेगा अपने में। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एक कार्बन एटम के ऊपर जुड़ गया, और वाटर क्योंकि अभी ये स्टेबलाइज हो गया अपने में, H2O अलग चला गया, और ये जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहां पर इस प्रोटॉन को ले गया है और इस कार्बन एटम पे आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कार्बन एटम अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। कैसा चार्ज आ गया इसके ऊपर? पॉजिटिव। तो देयर इज जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइन बाय द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियमाइन। तो पहला स्टेप ये था मैकेनिज्म का। अब सेकेंड देखते हैं क्या होगा। देखिए, ये जो आपका कार्बोकेटाइन बना था, इन द स्टेप नंबर वन दिस बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर इट वाटर बिकॉज इट इज स्टेबल एंड हैविंग टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिच है, यानी कि अब यहां पर कैसा एक्ट कर रहा है ये लुइस बेस, इट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बन एटम विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहां पर देखिए वाटर जुड़ गया दोबारा इस कार्बोकेटाइन से जो पहले स्टेप में बना हुआ था, और अब देखिए बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस कार्बन एटम और डोनेटेड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन एटम, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बोकेटाइन, और तीसरा स्टेप देखते हैं अब क्या होगा। अब देखिए, क्योंकि तीसरे स्टेप में ये जो प्रोटोन एक एडिशनल था एल्कोहल पे जो सेकेंड स्टेप में बना था, ये वाला, दोनों में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो कौन सी फॉर्म में जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस, क्योंकि रिएक्शन वाज स्टार्टेड विद एन एसिड एच प्लस, और आपको मालूम है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा एसिड, तो वो एच प्लस की फॉर्म में जाएगा ही जाएगा। जब वो जाएगा इट विल लूज इट इलेक्ट्रॉन पेयर टू ऑक्सीजन, और वो प्रोसेस कहलाता है डीप्रोटोनेशन। तो पहला स्टेप था प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियमाइन, सेकेंड स्टेप था न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बोकेटाइन, और तीसरा स्टेप क्या होगा? डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, तो वो देख लीजिए, और फिर आपका क्या बना? रिस्पेक्टिव एल्कोहल। तो इस तरीके से आपका मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, आपको मैंने तीनों स्टेप बता दिए। कैसा होगा? हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा, एसिड यूज नहीं होगा रिएक्शन में, वो स्टार्ट करेगा रिएक्शन को।
कैसे स्टार्ट करेगा, वाटर को हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट करेगा। वाटर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया पॉजिटिवली चार्ज बियरिंग, उसके ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट, कौन सा, एल्कीन। अच्छा, फॉर्म करेगा वाटर के साथ तो ऑब्वियस सी बात है क्या कहते हैं कार्बोकेटाइन जनरेट कर देगा और वाटर रिलीज कर देगा। कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ सेकंड स्टेप में, वो वाटर से दोबारा अटैक होगा, ठीक है। अब क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, OH आ तो गया, इंट्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन एक H उसमें फालतू भी है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो प्रोटॉन जो स्टार्ट हुआ था रिएक्शन में दैट विल डिपार्ट, सो दिस वे दिस रिएक्शन कंप्लीट्स, ठीक है जी। तो यहां पर ये वाली क्लास आज की इतनी करते हैं, इम्पॉर्टेंट थी और आई होप आप लोग जो है समझेंगे और रिवाइज करेंगे टॉपिक को, और बीच बीच में जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे उनको डील भी करेंगे। ओके, सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस मीटिंग, ठीक है जी।